Morning students. So now let us continue with the poem Elegy written in a country churchyard. So as we have been discussing, this poem is written in a graveyard. So the poet is sitting in a graveyard. So as you can see in this picture, and he is pondering over the questions of life and death, the inevitability of death. Death is something that cannot be escaped from, and here in particular he is talking about the fate of the common man, the common villagers. Okay, so इतने उन्हें गली कंट्री चर्च यार्ड कंट्री का मतलब है कि अवे फ्रॉम द सिटीज. ठीक है, सो विलेज दे बाहर जड़ा एक चर्च यार्ड बनया हुआ है, जड़ा एक ग्रेव यार्ड बनया हुआ है, उदी वो गल करता पे. सो ही सिटिंग देयर एंड उन्हें देखो कि वो ये हूँ तक की कर चुका है कि ही इज़ लुकिंग एट द ग्रेव्स ऑफ दीज सिंपल विलेजर्स. एंड इतों की देखो हूँ देखो, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉयल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल चिल पेन्योरी रिप्रेस देयर नोबल रेज एंड फ्रोज द जीनियल करेंट ऑफ द सोल. सो की कहता ये कि पहला उन्हें इस तो उपर वाले स्टैंजा उन्हें की गल की सी दैट सम ऑफ दीज विलेजर्स माइट हैव बीन वेरी टैलेंटेड, दे माइट हैव पोजेस्ड द कैलिबर ऑफ अ पोटेंशियल एम्परर, ऑफ अ बिग रिलीजियस लीडर और अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन. क्लियर, कि हो सकता इन्हों चो इन्ने टैलेंटेड हो. क्लियर, पर वो क्यों नहीं उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुँच सके, बिकॉज ऑफ देअर बैकग्राउंड, बिकॉज दे वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्मॉल प्लेसिस. सो नैचुरली जो यू डू नॉट गैट द ऑपरचुनिटी टू डिवेलप योर टैलेंट. क्लियर, क्योंकि जो छोटिया जगह के उपर जिस तरह कोई छोटे पिंड जोड़े लोग रेंगे है, फिर उन्होंने ये ऑपरचुनिटी नहीं मिलती कि वो लाइफ के कोई बहुत राइज कर सकन, कुछ बहुत एक्सट्रॉर्डनरी कर सकन, बिकॉज दे जनरली डाई वेयर दे हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उत्थे ही दे स्पेंड देयर लाइफ एंड दे मीट देयर एंड. सो इत्थे वो की गल कर रहे हैं कि बेशक हो सकता है इन्हां चों कोई कई जिहड़े विलेजर्स है दे माइट हैव बीन बॉर्न वेरी इंटेलीजेंट और वेरी टैलेंटेड, बट दे वर never given the opportunity to shine. Yes, देखो ना, but knowledge to their eyes her ample page. Ample का मतलब ही की है very huge. Okay, so knowledge का जिहड़ा पन्ना हैगा जिहड़ा कि बहुत ही वड्डा हुंदा, जिहदा कोई आर पार ही नहीं है ज्ञान का. ठीक है, वो इन्हां दे सामने कदी नहीं खुलिया. ठीक है, बिकॉज छोटिया जगह दे उपर सीगे. बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉयल्स ऑफ टाइम डिड नैवर अनरोल. सो जिहड़ा नॉलेज का पेज हैगा वो की हैगा, इट गोज़ ऑन बिकमिंग बिगर एंड बिगर, इट गेन्स डेप्थ ओवर द एजिस, बिकॉज द विजडम ऑफ द एजिस गैट्स अक्यूमुलेटिड ऑन द पेज ऑफ द नॉलेज. क्लीयर, सो सिंपल जी गल की है जी, कि जिहड़ी नॉलेज है ये हर ये टाइम के नाल बढ़ती जाती है. क्लीयर, किस तरह बढ़ती जाती, क्योंकि ये कि चीज़ शामिल हो जाती है उस समय की नॉलेज. क्लीयर, सो जिहड़ा नॉलेज हैगी है वो असी तरक्की ही किदां कीती है. ठीक है, सो जे आप थोड़ा जिहा डेप्थ में जाके देखिए कि हाउ हैव वी मेड प्रोग्रेस, क्योंकि जिहड़ी साढ़े तो पहला की जनरेशन सी उहदी नॉलेज दे विच असी अपनी नॉलेज ऐड करते हैं, फिर अगलिया जनरेशन उहदे विच इसी तरह के नाल असी वी हैव मेड सो मच ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मतलब एक जनरेशन कल्ली नहीं कर सकती. एनी हाओ देखो इन हूँ वो यही कह रहा है कि बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉयल्स ऑफ टाइम डिड नैवर अनरोल. सो जिहड़ा नॉलेज का स्टोर है वो बढ़ता जाता है विद टाइम, क्योंकि वो हर जनरेशन की जिहड़ी नॉलेज है वो शामिल होंदी जाती है, पर इन्हों ओवरली नॉलेज ग्रहण करन दा मौका नहीं मिले. दे डिड नॉट गैट द ऑपरचुनिटी टू एक्वायर दैट नॉलेज विच ग्रोज रिचर एंड रिचर विद टाइम. क्लियर, बट दे नेवर गॉट द ऑपरचुनिटी. चिल पेन्योरी रिप्रेस देयर नोबल रेज. क्लियर, क्योंकि देवर पुअर पीपल एंड देयर
noble sentiments or their talents were repressed because of their circumstances. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪੈਨਿਊਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪਾਵਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਐਂਡ ਫਲੋਜ਼ ਦਾ ਜੀਨੀਅਲ ਕਰੰਟ ਆਫ ਦ ਸੋਲ ਐਂਡ ਦੇ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦ ਵਾਰਮਥ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫੀਲਿੰਗਸ. ਸੋ ਦ ਵਾਰਮਥ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ. ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ, ਫੁੱਲ ਮੈਨੀ. So I hope you have your books. This is on page number 16. Dekho, full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear. Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. So fir ki gal karda hai ki jis tarah ke ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਮ ਹੈਗਾ, ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਮ ਹੈਗਾ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਬਾਏ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਔਨ ਦ ਬੈਡ ਆਫ ਦ ਓਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਨੋਟ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਆਫ ਵੈਰੀ ਕੇਪੇਬਲ ਪੀਪਲ, ਕਲੀਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਰਿਮੇਨ ਹਿਡਨ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜੈਮਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਫੁੱਲ ਮੈਨੀ ਆ ਜੈਮ ਆਫ ਪਿਓਰੈਸਟ ਰੇ ਸਰੀਨ, ਦ ਡਾਰਕ ਅਨਫੈਦਮਡ ਕੇਵਸ ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਬੇਅਰ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਦ ਡਾਰਕ ਅਨਫੈਦਮਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚੇ ਨੀਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਨਫੈਦਮਡ ਹੈ. ਅਨਫੈਦਮਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਡੀਪ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਡੈਪਥ ਹੈਵ ਨੋਟ ਬੀਨ ਈਵਨ ਮੈਜਰਡ. ਅਨਫੈਦਮਡ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਫੁੱਲ ਮੈਨੀ ਆ ਫਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਟੂ ਬਲੱਸ਼ ਅਨਸੀਨ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਇਟਸ ਸਵੀਟਨੈਸ ਔਨ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਅਰ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਫਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਇਟ ਬਲੋਸਮਸ ਇਨ ਅ ਡੈਜ਼ਰਟ. ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਥਿਕਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ, ਨੋਟ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਪਾਸ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਸਾਈਡ. ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਫਲਾਰ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਸੀਨ. ਫੁੱਲ ਮੈਨੀ ਆ ਫਲਾਰ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਟੂ ਬਲੱਸ਼ ਅਨਸੀਨ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਇਟਸ ਸਵੀਟਨੈਸ ਔਨ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਅਰ. ਸੋ ਪੀਪਲ ਡੂ ਨੋਟ ਗੈਟ to see its beauty and its sweetness is simply wasted because nobody gets to have a look at them, kyunki ujaad jagah hai ki desert te upar oh desert de vichon khidya hoya hai. So isi tarah de naal same was the case of these people, clear, who wasted their talent like this only. Some next para dekho, some village Hampton that with dauntless breast the little tyrant of his fields withstood. Clear. So again he compares these people to Hampden. Clear. Who was Hampden? Hampden was a very courageous person who defied the king. DEFIED. Defied the matlab ki hai, avail na karna, avmanana karna, kehna na manna. So he refused to pay taxes to the king. ਸੋ ਇੰਨਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ. ਇਹ ਸੋ ਸਮ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਂਪਡਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਰੇਜੀਅਸ ਹੋਵੇ. ਕਲੀਅਰ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮ ਵਿਲੇਜਰ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਪੋਜੈਸਡ ਦ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਬਰੇਵਰੀ ਆਫ ਹੈਂਪਟਨ. ਕਲੀਅਰ. ਜਸਟ ਐਜ ਹੈਂਪਟਨ ਡਿਸਓਬੇਡ ਦ ਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ
this person might have had the courage to disobey an authority, clear? And he might have stood against the little tyrant of his fields. So the little tyrant कौन होता है जिहड़ा कि जालिम होता है जिहड़ा कि धक्का करता है, क्लियर? सो हो सकता है कि इन्हां चों किसी ने अपने अपने एरिए दे ही किसी टायरेंट के खिलाफ जंग लड़ी होवे, पर क्योंकि छोटी जगह का नैचुरली जिहड़ा टायरेंट वह भी की होएगा, लिटल होएगा, क्लियर? वाई लिटल? बिकॉज इट माइट हैव डन वेरी लिटल डैमेज, क्योंकि जगह छोटी हैगी है. सो एनी हाउ सम विलेज हैम्पडन दैट विद डॉन्टलैस ब्रेस्ट. डॉन्टलैस का मतलब ही होंगे फीयरलैस. सो सम विलेजर माइट हैव हैड द करेज दैट हैम्पडन पोजेस्ड, क्लियर? एंड दैट वेरी मच लाइक हैम्पडन, ही माइट हैव स्टूड अगेंस्ट द माइट ऑफ अ लिटल माइट ऑफ अ टायरेंट ऑफ हिज एरिया. सो हो सकता उन्हें उस वेले उन्नी ही बहादरी दे नाल सामना किया होवे उत्थों दे किसी लोकल टायरेंट का जिहड़ा कि उहदे खेतां नूं खोना चाहुंदा सीगा. सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हीयर मी रेस्ट. सो हो सकता इत्थे भी कोई इदां दा विलेजर होवे हू हैड द सेम टैलेंट एज जॉन मिल्टन द ग्रेट पोइट पोजेस्ड. सो हो सकता इन्हां चों कोई इन्ना ज़्यादा टैलेंटेड होवे कि जे उन्हों थोड़ा जा मौका मिलता पढ़न लिखन दा तो शायद हो सकता है कि ही माइट हैव रिटन द पोइट्री दैट वॉज एज ग्रेट एज जॉन मिल्टन रोट. पर वो की रह गया, पर वह व्यक्ति की रह गया, म्यूट रह गया. क्लियर? म्यूट का मतलब ही की है जिहड़ा एक्सप्रैस ना कर सके, जिहड़ा कि गूंगा होवे. सो वाई डिड दिस पर्सन हु वॉज वेरी मच लाइक मिल्टन नॉट एक्सप्रैस हिज टैलेंट? बिकॉज ही डिड नॉट गैट एन ऑपरचुनिटी. सो जिथे कि जिहड़ा मिल्टन सीगा ही रोट ग्रेट पोइट्री, दिस पर्सन रिमेन्ड म्यूट एंड ही डिड नॉट अर्न द ग्लोरी दैट मिल्टन कुड अर्न. सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हीयर मे रेस्ट. सो बिल्कुल ही जिहड़ा छुपया होया रह गया, ही रिमेन्ड म्यूट एंड ही रिमेन्ड इन ग्लोरियस, ही कुड नॉट ऑन द ग्लोरी दैट मिल्टन इंजॉयड. शानो शौकत उन्नी नहीं मिली. सो हो सकता है इन्होंने कबरों से कोई इदा का व्यक्ति भी पिया हो. सम क्रॉमवेल गिल्टलैस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड. इसी तरह के नाल सम ऑफ डैम सम विलेजर माइट हैव बीन एज ग्रेट एज क्रॉमवेल. सो नाउ हू वॉज क्रॉमवेल? तुहाडे पेज नंबर 19 के उपर दिता हुआ देखो, लाइन नंबर 60. सो हू वॉज क्रॉमवेल? क्रॉमवेल का फुल नेम की सीगा? ऑलिवर क्रॉमवेल. एंड ही वॉज बॉर्न इन 1599 एंड ही डाइड इन 1658. एंड ही वॉज अ जनरल एंड स्टेट्समैन. जनरल का मतलब भी की है जरनैल, जिहड़ा कि फौजियां दी अगवाई करदा. स्टेट्समैन कौन हुंदा? पॉलिटिशियन, क्लियर? सो ही वॉज एन आर्मी जनरल एंड अ पॉलिटिशियन एज वैल हु लैड द पार्लीमेंट्री आर्मी इन द सिविल वॉर अगेंस्ट द रॉयलिस्ट्स. सो इन्हें आर्मी नूं लीड किया सी इन द सिविल वॉर. सिविल वॉर केड़ी की हुंदी है? सिविल वॉर हुंदी है जिहड़ी कंट्री दी अंदरूनी लड़ाई. जे सपोज कंट्री दा कोई अपना उहदा जिहड़ा हिस्सा हैगा उही जदों रिवोल्ट कर दिंदा है दैन दैट लीड्स टू अ सिविल वॉर, क्लियर? सो जिहड़ा ऑलिवर क्रॉमवेल सीगा इन्हें किहदे खिलाफ हो सकदा है कि इन्हां पेंडुआं चों कोई किन्ना क दिमाग वाला स्टेट्समैन होवे जिहड़ा कि जिदा कि ऑलिवर क्रॉमवेल सीगा. सो वेयर एज क्रॉमवेल कुड सक्सैसफुली लीड द आर्मी इन द सिविल वॉर अगेंस्ट द रॉयल फैमिली, दिस विलेजर कुड नॉट डू सो दो ही हैड द कैलिबर ऑफ क्रॉमवेल. वाई डिड ही नॉट लीड एन आर्मी इन द सिविल वॉर? बिकॉज ही डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू होन हिज टैलेंट, टू शार्पन हिज टैलेंट,
सो देखो इन हूँ सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड क्लियर सो वेयर एज क्रॉमवेल वॉज गिल्टी ऑफ शेडिंग द ब्लड ऑफ हिज ओन कंट्री मैन क्लियर जिहड़ा कि क्रॉमवेल सिगा वो गिल्टी सिगा क्लीयर क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री की अंदरूनी लड़ाई दे विच हिस्सा लिया सिगा जिहदे विच नैचुरली जदों असीं कंट्री की अंदरूनी लड़ाई हिस्सा लैंदे फिर की हुंदा है दैन यू हैव टू किल योर ओन कंट्री मैन क्लीयर सो हो सकता है कि इन्हां चों कोई पेंडू उन्ना ही टैलेंटेड हुंदा जिन्ना कि क्रॉमवेल सिगा पर वेयर एज क्रॉमवेल वॉज गिल्टी कसूरवार वॉज गिल्टी ऑफ शेडिंग द ब्लड ऑफ हिज ओन कंट्री मैन दिस विलेजर रिमेन्ड गिल्टलैस ये वाला विलेजर सिगा जिहड़ा कि इत्थे हुण कबर च पिया होया जिहदे विच कि किन्ना क कैलीबर सिगा क्रॉमवेल जिन्ना दोनों फर्क की हैगा कि जिहड़ा क्रॉमवेल सिगा वह कसूरवार हो गया क्योंकि उन्हें सिविल वॉर दे विच हिस्सा लिया जदों कि दिस विलेजर रिमेन गिल्टलैस बिकॉज ही नैवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी एज ग्रेट एज क्रॉमवेल सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो देखो इनू नैक्सट पैरा द अपलॉज ऑफ लिसनिंग सैनेट्स टू कमांड द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड एंड रेड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आईज सो हो सकता है कि इन चो कोई सम विलेजर माइट हैव बीन एज ग्रेट एज दैट किंग दैट एड्रेस द पार्लियामेंट जिहड़ा कि पार्लियामेंट नू एड्रेस करता हैगा और जिहड़ा कि हु आफ्टर हिज एड्रेस इज एबल टू लिसन टू द अपलॉज ऑफ द सैनेटर्स क्लीयर कि जदों सपोज कोई जिस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई राजा हैगा जदों स्पीच दिंदा है उस तो बाद जिहड़े सैनेटर्स हुंदे जिहड़े उस सभा च बैठे हुंदे फिर की करदे दे अपलॉड वो ताड़ियां बजांदे हैगे क्लीयर सो इन्हां चों हो सकदा कोई उन्ना ही ग्रेट होवे कि वो राजा बन सकदा होवे बट ही डिड नॉट बिकम द रूलर बिकॉज ऑफ देयर सरकमस्टांसिस द अपलॉज ऑफ लिसनिंग सैनेट्स टू कमांड सो हो सकता सम विलेजर माइट हैव बीन एज ग्रेट एज दैट रूलर हु एड्रेसिस द पार्लियामेंट एंड हु लिसन्स टू द अपलॉज एट द कंप्लीशन ऑफ हिज स्पीच द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज क्लियर सो अगेन दे माइट हैव the potential to be as great as that mighty king who did not care for the threats of pain and ruin clear jis tarah ek raja hai jehda bahut zyada strong jehda bahut zyada powerful king hai ga he does not care for any threats ki hunde tamkiyan clear because he is so powerful so again बार बार तुसीं की लिखना कि इन्हां चों जिहड़ा कोई विलेजर है हो सकता है कि वह इन्ना ग्रेट होवे जिन्ना कि वह वाला माइटी किंग जिहड़ा कि किसी तरह की तबाही की धमकी तो जिहड़ी कि नाल दे राजा भावें नाल दे राज दा राजा हैगा वह भावें दे रहा है पर दैट किंग इज सो पावरफुल दैट ही डज़ नॉट केयर फॉर दोज थ्रेट्स ऑफ pain and ruin clear so they do not care because they are so mighty so inna cho bhi ho sakda koi inna villager brilliant hove ke oh edda da raja ban sakda hove to scatter plenty over a smiling land hor ki hunda ik raje de vich kehdi ki karan di samartha hundi hai he has the capability of scattering plenty scattering da matlab hai ki bikherna सो प्लेंटी इत्थे की हैगी खुशहाली प्रोस्पैरिटी क्लीयर क्योंकि राजे कोल इन्नी ताकत हुंदी है राजे कोल इन्ने जरिए हुंदे है रिसोर्सिस हुंदे है कि वह की कर सकदा वह अपनी प्रजा नूं बहुत खुशहाली वंड सकदा है मतलब उन्होंने खुशहाल बना सकदा टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड एंड नैचुरली वेयर द पीपल आर प्रोस्परस दैट लैंड बिकम्स अ स्माइलिंग लैंड क्लीयर सो ये सिर्फ किदे कोल ताकत हुंदी है टू scatter prosperity to give prosperity sirf kide vich taqat hundi hai ek raje vich okay so ho sakda ki eh villagers jehde sige kadi inne great ho jande ki oh ki kar pande ki oh dujjan nu vi khushhal bana sakde okay taaki ohna di jehdi eh raj hai ga oh ki ho janda it could have become a smiling land and read their history in a nation's eyes so ho sakda ki
ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਰੀਡ ਦੇਅਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਈਟੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਰੀਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਲੌਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਸ ਹੈ ਦੇ ਨੈਵਰ ਗੋਟ ਸੋ ਮੱਚ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੈਟ ਦੇ ਡਿਡ ਨੋਟ ਕੇਅਰ ਫੋਰ ਐਨੀ ਥਰੈਟਸ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਡਿਡ ਨੋਟ ਗੈਟ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਸਕੈਟਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਾਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ? ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੀਡ ਦੇਅਰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨ ਅ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਈਜ਼, ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਦੇ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਗੈਟ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਰੀਰਾਈਟ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੇਅਰ ਲੋਟ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ, ਦੇਅਰ ਲੋਟ ਫੋਰ ਬੇਡ ਨੋਰ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਅਲੋਨ ਦੇਅਰ ਗਰੋਇੰਗ ਵਰਚੂਜ ਬਟ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਨਫਾਈਨਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਦੇ ਨੈਵਰ ਗੋਟ ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਬਿਕਮ ਗ੍ਰੇਟ। ਠੀਕ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਅਰ ਲੋਟ ਫੋਰ ਬੇਡ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਸਕਣ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣ ਸਕਣ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਦੇਅਰ ਲੋਟ ਫੋਰ ਬੇਡ ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਨੋਟ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਅਲੋਨ ਦੇਅਰ ਗਰੋਇੰਗ ਵਰਚੂਸ ਬਟ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਨਫਾਈਨਡ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ, ਦੇ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਗਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਜੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਗਰੋ, ਦੇ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇਅਰ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਰਿਮੇਨ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਕਲੀਅਰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਸਮਵਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਸਮਵਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਬਿਕਮ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਐਂਡ ਟੂ ਡੂ ਗੁੱਡ ਅਨ ਟੂ ਅਦਰਸ। ਕਲੀਅਰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਪਰਸਨ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੈਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਈਵਨ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਰਿਮੇਨਡ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖੋ ਲਿਆ। ਫੋਰ ਬੇਡ ਟੂ ਵੇਟ ਥਰੂ ਸਲੋਟਰ ਟੂ ਅ ਥਰੋਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਦ ਗੇਟਸ ਆਫ ਮਰਸੀ ਔਨ ਮੈਨਕਾਈਂਡ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਰੋਨ, ਰਾਜਪਾਠ ਹਥਿਆ ਸਕਣ। ਇਟ ਦੇ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਗੈਟ ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਸਿਟ ਔਨ ਅ ਥਰੋਨ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦ ਕਿੰਗਸ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿਲ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਟੂ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਥਰੋਨ। ਸਲੋਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫੋਰ ਬੇਡ ਟੂ ਵੇਟ ਥਰੂ ਸਲੋਟਰ ਟੂ ਅ ਥਰੋਨ। ਸੋ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਇਮੇਜ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੀ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਟੂ ਦੈਟ ਥਰੋਨ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਿਲ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ। ਕਲੀਅਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮਰਡਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਟੂ ਸਿਟ ਔਨ ਦਾ ਥਰੋਨ। ਫੋਰ ਬੇਡ ਟੂ ਵੇਟ ਥਰੂ ਸਲੋਟਰ ਟੂ ਅ ਥਰੋਨ, ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ
कई डेड बॉडीज़ के उपरों की लंघ के खुद मार के उन्होंने की करना पैंता है दैन ओनली दे गैट एन ओपरचुनिटी टू सिट ऑन अ थ्रोन एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड. सो इसी तरह के नाल दे नैवर बिकेम मर्सीलैस टूवर्ड्स अदर पीपल एज सम पीपल इन अथॉरिटी बिकम. सो कई बार जो बहुत ज़्यादा कई हाथ जोड़े माड़े होंगे उन्होंने हाथ जो पावर आ जाती सत्ता आ जाती फिर वो की करते फिर वो कई बार बहुत ज़्यादा जुलम करते. सो हूँ जो आप इदा देखिए कि एक व्यक्ति को मौका नहीं मिले वो बहुत टैलेंटेड है बहुत इंटैलीजेंट है उन्हों पावरफुल बनने का उन्होंने राजा बनने का मौका नहीं मिले तो हो सकता है ये कोई भलाई हुई हो क्योंकि जे वो चंगा करन वाला है तो हो सकता है कि जे वह दिमाग दूसरे पास चल पे तो वह की कर सकता है बहुत ज़्यादा बर्बादी भी लिया सकता है. सो जे इन्हों चंगयाई करन का मौका नहीं मिले तो इन्हों बर्बादी करन का भी मौका नहीं मिले. सो नाओ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाओ आई मेक एन एंड हीयर इनू ध्यान नाल सुनो और फिर दैन आई विल कंटिन्यू विद दिस इन माई नैक्सट लैक्चर ओनली.